वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंस बिटवीन कैथोड रेज एंड एनोड रेज, उसी को आज अभी कंटिन्यू करना है। तो कैथोड रेज हम पढ़ चुके हैं, इट्स अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एनोड रेज वॉज फ्लो ऑफ पॉजिटिव आयंस। फिर कैथोड रेज में ई बाई एम वैल्यू देखे थे, इट्स अ कॉन्स्टेंट एंड इट्स ई बाई एम वैल्यू इक्वल्स टू 1. इट वॉज 1.76 इंटू 10^11 कूलम पर किलोग्राम, विच कैन बी ऑल्सो रिटन एज 1.76 × 10^8 कूलम पर ग्राम इन टर्म्स ऑफ ग्राम। ये देखें, एंड ई बाई एम वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब, वेयर एज ई बाई एम वैल्यू फॉर एनोड रेज इज वेरिएबल एंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब। इतना ये सब हम पढ़ चुके हैं, अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है कैथोड रेज और एनोड रेज का, उसको देखना बिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में। अब यहाँ पे समझना होगा थोड़ा सा, समझो। अब ये तो मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स अ न्यू टर्म फॉर ऑल ऑफ यू। थोड़ा बहुत मैग्नेट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, अर्थ इज अ ह्यूज मैग्नेट, आई थिंक 6-7 क्लासेस में ज्योग्राफी बुक में पढ़े होंगे, तो वहां पढ़े होंगे, थोड़ा फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, लेकिन वो सब तुम लोग डिटेल में क्लास 12 में पढ़ोगे इन फिजिक्स। बट अभी मुझे ये समझाना है तो पहले समझ लो, थोड़ा सा समझा दे रहा हूं मैं। अभी देखो मैग्नेट, सपोज एक बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है, इसका दो पोल नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो उस मैग्नेट का ना एक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड इसको बोलते हैं। इस मैग्नेट का एक फील्ड होता है जिसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ओके, अभी देखो आयरन, अभी हम आयरन, ये आयरन है, तो आयरन क्या होता है, अभी देखो समझो। जैसे हम चाइल्डहुड में क्या करते थे, मैग्नेट, एक बार मैग्नेट लेते हैं, सपोज ये हमारा बार मैग्नेट है, ये एक बार मैग्नेट है, तो इस बार मैग्नेट को क्या करेंगे, ये बार मैग्नेट था। अभी मैं क्या करता था बचपन में, ये सपोज एक मेरे पास आयरन होता था जब मैं बहुत छोटा था, तो उस वक्त मैं मैग्नेट के साथ बहुत, मेरे पास एक मैग्नेट, मैं सोचता था इसमें अट्रैक्ट क्यों हो जाता है। तो अभी देखो पहले तो मैं सोचता था अगर ये दूर में होता है तो अट्रैक्शन नहीं होता है, लेकिन जब आयरन को पास में लाता हूँ पास में, तो फिर अट्रैक्शन नहीं होता, लेकिन और पास लाने से अभी इसको अट्रैक्ट कर लेता है, अभी इसको अट्रैक्ट कर लेता था। ओके, तो इतना पास लाने से अट्रैक्ट कर लेता था। फिर मैं अगर मैग्नेट के साइज को बढ़ा देता हूँ तो वो इतना पास से भी उसको थोड़ा और दूर से वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको देखें, दो मैग्नेट देखते हैं, एक ये मैग्नेट है और एक और मैग्नेट देखते हैं, विच इज अ ह्यूज साइज, इसके रिस्पेक्ट में इसका साइज थोड़ा ह्यूज है, ज्यादा साइज है, तो इट्स नॉर्थ पोल एंड इट्स साउथ पोल। ओके, अब इसका भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसका भी रेंज होगा, लेकिन इसका जो रेंज होगा इसके रेंज से ज्यादा होगा, इसका जो रेंज होगा इसके रेंज से थोड़ा ज्यादा होगा। अब इस रेंज में अगर आयरन को यहां पे रखेंगे तो दिस मैग्नेट विल नॉट अट्रैक्ट दिस आयरन। अभी देखो आयरन को अगर मैं यहां पे रखता हूं तो ये मैग्नेट इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका एक फील्ड है, इसके फील्ड में जो आयरन मैग्नेटिक सब्सटेंस है उसी को वो अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा, उस मैग्नेटिक फोर्स से उसको खींच पाएगा। ओके, तो जैसे ही इस आयरन को मैं हटाकर अगर इसके अंदर में डालता हूं तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा। ओके, क्योंकि वो उसके फील्ड के अंदर में आ गया। एग्जैक्टली इन द सेम मैनर जैसे जैसे मैग्नेट का साइज इंक्रीज होगा इसका रेंज भी बढ़ते जाता है। अभी आयरन को यहाँ पे रखूंगा तो इट विल नॉट अट्रैक्ट, लेकिन आयरन को यहाँ पे रखूंगा तो ये मैग्नेट इसको अट्रैक्ट कर देगा। इसको बोलते हैं मैग्नेट, हर मैग्नेट का एक फील्ड होता है डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द मैग्नेट। ओके, तो अभी इसका इस फील्ड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं विद अ कैपिटल लेटर बी एंड विद अ वेक्टर सिंबल, विद अ वेक्टर सिंबल। ये वेक्टर सिंबल आई होप तुम लोग फिजिक्स में थोड़ा बहुत स्केलर वेक्टर पढ़ चुके होंगे, तो विद अ वेक्टर सिंबल कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को विद अ वेक्टर सिंबल। इट सिंबलाइजेस दैट इसका डायरेक्शन भी है एज वेल एज इसका मैग्नीट्यूड भी है। ओके, तो अभी क्या होता है समझो, सपोज कैथोड रे में फिर से डिस्चार्ज ट्यूब बना रहा हूं, दिखा रहा हूं एक डिस्चार्ज ट्यूब है, दिस इज अ डिस्चार्ज ट्यूब जिसमें कैथोड रेज जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा एनोड प्लेट है, तो एनोड क्या होता है, इट्स पॉजिटिव, और यहाँ पे हमारा कैथोड प्लेट है, तो ये कैसा हमारा नेगेटिव, इट्स कैथोड, ये कैथोड प्लेट है, और यहाँ पे हमारा कौन सा प्लेट है, तो इट्स एनोड, ये पोर्शन एनोड है। अब यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन गैस दिए या हाइड्रोजन गैस दिए, तो ये एच प्लस हो गया, ये इलेक्ट्रॉन माइनस, एच प्लस एच प्लस एच प्लस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन माइनस। अब यहाँ से जो रेज जा रहे हैं ये स्ट्रेट जाते हैं, मैंने ऐसे ऐसे करके दिखा दिया था, लेकिन इट्स कैथोड रेज जो ट्रैवल करते हैं दैट ट्रैवल्स स्ट्रेट थ्रू दी ट्रैवल्स स्ट्रेट इन द डायरेक्शन एंड दीज आर कैथोड रेज, ये जो पोर्शन है दीज आर कैथोड रेज जो हम पढ़ चुके हैं, मैं बता चुका हूँ। अब कैथोड रेज है, अब देखो इसमें क्या है, सपोज अगर मैग्नेट, इस मैग्नेट सपोज ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट को अगर हम इसको पास में ला रहे हैं यहाँ पे, अभी ये पास में आएगा, थोड़ा सा पास में ला रहे हैं, पास में ला रहे हैं और पास में ला रहे, तो अब ये मैग्नेट, ये जो कैथोड रेज है, अब ये कैथोड रेज इस मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में आ चुका है, दिस कैथोड रेज इस मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में आ गया,
तो मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में जब तक नहीं था, ये दूर में था, तो ये स्ट्रेट स्ट्रेट पास हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे मैग्नेट क्लोज आएगा, मैग्नेट क्लोज आएगा, मैग्नेट क्लोज आएगा, तो ये इसके इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। तो इन्फ्लुएंस के आने की वजह से इस कैथोड रेस का जो स्ट्रेट डायरेक्शन था उसमें डेविएशन होना स्टार्ट होगा, दैट विल डेविएट टुवर्ड्स द मैग्नेट, ये आइदर मैग्नेट की तरफ जाएगा, ओके मैग्नेट की तरफ जाएगा, सपोज ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, डिपेंड्स ऑन द पोलरिटी ऑफ द मैग्नेट, अगर पोलरिटी को चेंज कर देते हैं तो ये मैग्नेट्स के अबे अबे फ्रॉम द मैग्नेट जाएगा। तो ये तुम लोगों को फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा और केमिस्ट्री में भी मैं आगे पढ़ाऊंगा, आगे है केमिस्ट्री में भी मैं पढ़ा देता हूँ, बट अभी नहीं, अभी वेरी न्यू इस टॉपिक के लिए, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो फिर केमिस्ट्री में, तो अभी जस्ट ये समझो, इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज अ कैथोड रेस, नॉट ओनली कैथोड रेस, एनी चार्ज्ड पार्टिकल, जो भी चार्ज्ड पार्टिकल्स होगा, दे विल शो डेविएशन इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, कैथोड रेस एंड ऑल्सो एनोड रेस। मैंने बोला चार्ज पार्टिकल्स, तो कैथोड भी चार्ज है, इट्स नेगेटिवली चार्ज, एंड एनोड भी चार्ज है, दे आर पॉजिटिवली चार्ज, तो इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैथोड रेस एंड एनोड रेस आर डेविएटेड, ठीक है, डिफ्लेक्टेड, कैथोड रेस एंड एनोड रेस आर डेविएटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्जैक्टली ऐसा ही कुछ होता है जैसे मैग्नेट होता है उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड करंट की वजह से होता है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ई विद अ वेक्टर वेक्टर सिंबल। अब इसका मतलब क्या है, इसका भी सिंबल, इसका भी मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होता है। तो अभी एट प्रेजेंट बस तुम लोग केमिस्ट्री में इतना याद रखना है और बाकी तुम्हें आगे पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आगे डिटेल में पढ़ना है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, अभी जस्ट इतना सा लिख लेंगे। अभी ये कैथोड रेस एंड एनोड रेस इसको पूरा पूरा कर लेते हैं। अब इसके तो कैथोड रेस एनोड रेस, एनोड रेस व्हिच इज आल्सो नोन एज कैनल रेस। तो अब इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या था, इट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या था, इट इज फ्लो ऑफ पॉजिटिव आयंस। अगेन इसमें सेकंड पॉइंट क्या था, इसमें सेकंड पॉइंट क्या था, दीज आर नेगेटिवली चार्ज्ड। इसमें सेकंड पॉइंट क्या था, दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। इसका थर्ड पॉइंट क्या था, इसका ई बाई एम वैल्यू इज कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट एंड मैक्सिमम, कॉन्स्टेंट एंड मैक्सिमम, एंड वी हैव टू राइट दैट वैल्यू 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर किलोग्राम। बट इसका जो ई बाई एम वैल्यू जो होता है ये वैरी करता है, इसका जो ई बाई एम वैल्यू होता है इट्स वैरी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या था, इसका ई बाई एम वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब। इसका ई बाई एम वैल्यू क्या होता है, इट्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब। उसके बाद क्या है, ये अब यहां तक तो पॉइंट्स हो गए डिफरेंस, अब लास्ट पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं इट्स अ कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट क्या है, कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे भी एनोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें बहुत सारा ये और भी इसमें पॉइंट्स है, मैकेनिकल प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, ये सब भी है, बट वो मैकेनिकल प्रेशर काइनेटिक एनर्जी उसको मैं अभी रहने देता हूँ। दीज आर दी कॉमन पॉइंट्स जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछता है, और मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी तो मूवमेंट हो रहा है, मैकेनिकल प्रेशर जो है उसको मैं आगे बताऊंगा। ओके तो इतना पॉइंट्स अभी तुम लोग नोट करोगे दोनों में, कैथोड रेस एंड एनोड रेस में। तो दिस इज फंडामेंटल पार्टिकल्स में हम लोग तीन पार्टिकल्स पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, दीज आर दी फंडामेंटल पार्टिकल्स। उसके अलावा मैंने न्यूट्रॉन बताया, पॉजिट्रॉन बताया एंड अल्फा पार्टिकल बताया, फिर मैंने ई बाय एम रेशियो में बताया था, एंड दिस पॉइंट वाज कैथोड रेस एंड एनोड रेस। तो इन सबको नोट कर देना अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें पढ़ना है इसी के रिलेटेड, इस टेबल से रिलेटेड, जो टेबल हम लोग पढ़े थे फंडामेंटल पार्टिकल्स से रिलेटेड, मैंने जो पार्टिकल्स लिखा था उससे रिलेटेड टेबल जो है उसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो क्वेश्चंस अब बनेगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो इसको तो मैं पढ़ाऊंगा आगे पूरा, इसका डिटेल जो है क्वेश्चंस न्यूमेरिकल, इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शंस है उसको मैं इसमें जब देखना कंटेंट में, तो कंटेंट में पॉइंट नंबर 7 में लिखा होगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में पॉइंट नंबर 7 में लिखा होगा, वहां पे मैं इसका थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करूंगा। बट जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स को मैं यहीं पे कवर कर दूंगा, न्यूमेरिकल्स में यहीं पे कवर कर दूंगा, इसका फॉर्मूला लिख के इसके न्यूमेरिकल्स में यहीं पे कवर कर दूंगा, बट जो थ्योरेटिकल पोर्शन है मैं टॉपिक 7 में कवर करूंगा, क्योंकि जो न्यूमेरिकल है ये अभी बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इस जो पढ़ चुके हैं, मास वास पढ़ चुके हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूं, और ये फिर वहां पे भी न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, बट इट विल बी इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड हियर। ओके तो डी ब्रॉगली, तो डी डी मतलब द होता है, डी मतलब द, ब्रॉगली इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, ब्रॉगली एंड वेवलेंथ, ब्रॉगली इज द नेम ऑफ अ पर्सन बोल सकते हैं, और वेवलेंथ, वेवलेंथ तो वेवलेंथ क्या होता है, इट्स अ वेवलेंथ जब वेव ट्रैवल करते हैं, तो ये पोर्शन ऐसे ऐसे ट्रैवल्स करते हैं, ऐसे ट्रैवल करते हैं, तो ऊपर वाला पोर्शन हम जानते हैं इट्स अ क्रेस्ट, सी आर ई एस टी क्रेस्ट, नीचे वाला पोर्शन जो होता है वो ट्रफ, टी आर ओ यू जी एस ट्रफ, टी आर ओ यू जी एस ट्रफ।
तो अगर हम डिस्टेंस देखें बिटवीन एक क्रेस्ट एंड एक ट्रॉप के बीच में जो डिस्टेंस देखते हैं, यही डिस्टेंस को हम बोलते हैं वेवलेंथ, वेव का लेंथ, वेवलेंथ, इट्स नाम से ही क्लियर है, वेव का लेंथ, क्रेस्ट, एक क्रेस्ट और एक ट्रैप के बीच में जो डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं वेवलेंथ। बहुत सारे बुक में ऐसे लिखा हुआ है हाईएस्ट मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ क्रेस्ट एंड दो क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ बोलते हैं। वैसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं दो मैक्सिमम जो क्रेस्ट का जो डिस्टेंस है, दो क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ, एंड वेवलेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, लैम्डा ये सिंबल है ऐसा लैम्डा, ओके इट्स लैम्डा। तो वेवलेंथ वैरी करता है। अभी देखो मैं साउंड है, साउंड कुछ बोल रहा हूँ, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको एक साउंड, साउंड इज अ वेव, तो ये ट्रैवल कर रहा है, तो ये वेव है, ओके ये ऐसे ऐसे जा रहा है। सपोज अभी मैं अच्छे मूड में हूँ तो मैं इस मेरे साउंड का जो वेव है ऐसे जा रहा है। सपोज मैं थोड़ा गुस्सा चिल्लाकर बोलूंगा तो डेफिनेटली मेरा जो साउंड का फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तो वेवलेंथ भी क्या होगा, चेंज होगा। तो वही वेवलेंथ होता है, ये पोर्शन, ये हमारे यहाँ से लेके हम बोल सकते हैं ये डिस्टेंस, ये से लेके ये डिस्टेंस, तो ये देखो ये डिस्टेंस इतना है, यहाँ पे डिस्टेंस इतना है, दिस इज वेवलेंथ। इसका डेफिनेशन, डेफिनेशन सब कुछ पॉइंट नंबर 7 में थ्योरेटिकल पोर्शन सब कुछ वहां पढ़ेंगे, बट एट प्रेजेंट वी हैव टू जस्ट कैलकुलेट द वेवलेंथ। तो न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, देखते हैं इसको, कैथोड रेज एनोड रेज को कॉपी कर लेना अच्छे से, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।